हेलो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि एस में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इन एस तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं एस टी एम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देने के लिए किया जाता है एस टी एम एल सबस्क्रिप्ट को एस यू बी तो सबस्क्रिप्ट अगर हमने लिखना है टैग में तो हम लिखेंगे एस यू बी द्वारा डिफाइन किया जाता है इसके बाद है एस टी एम एल सुपरस्क्रिप्ट को एस यू पी अगर हमने सुपर स्क्रिप्ट लिखना है एस यू पी टैग द्वारा डिफाइन किया जाता है इसके बाद है सबस्क्रिप्ट की डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन है एस यू बी टैग टेक्स्ट को छोटा बनाता है इससे क्या होता है टेक्सट छोटा बनता है और सामान्य स्थिति से नीचे की ओर ले जाता है जो दर्शाता है कि टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है H o. तो यहां पे ये जो टू लिखा हुआ है ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को एस यू पी से लिखा जाता है एस यू पी टैग टेक्स्ट टेक्स को तो छोटा बनाता है और सामान्य स्थिति से ऊपर की ओर ले जाता है जिससे पता चलता है कि टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है ई इक्वल टू एम सी स्केयर तो ये जो टू लिखा हुआ है ये ऊपर लिखा हुआ है ये देखो ऊपर कैसे लिखना है इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो हम इन दोनों को जैसे ये एस टू ओ लिखा हुआ है इसके बाद ये ई इजक टू एम सी स्केयर इन दोनों का प्रैक्टिकल आगे हम नोट पैड में करेंगे तो ये हमने यहाँ पे नोट पैड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एस टी एम एल टैग इसके बाद हैड टैग लिखा हुआ है इसके बाद टाइटल टैग लिखा हुआ है और टाइटल टैग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन दोनों को हम यहाँ पे करेंगे इसके बाद टाइटल टैग को बंद किया हुआ हेड टैग को बंद किया हुआ है बॉडी टैग को यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे हेडिंग टैग H1 लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे सेंटर टैग लिखा हुआ है तो यहाँ पे एच टू लिखा हुआ है हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है H और ये जो 2 है 2 को H के यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा आगे हम लगाएंगे सब एस यू बी ये टैग लगाएंगे इसके बाद टू लिखेंगे सब स्क्रिप्ट को बंद करेंगे बंद करने के बाद ओ तो ओ को हमने ऐसे लिखा इसके बाद यहाँ पे ब्रेक मांड यूज़ करेंगे तो ये तो हो गया है एच टू ओ कैसे लिखा जाता है इसके बाद है ई जिक टू एम सी स्केयर ई इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है इसके बाद एम सी इसके बाद यहाँ पे सी के ऊपर यहाँ पे टू लिखना है यहाँ पे तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे इसके बाद यहाँ पे टू लिखा इसके बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ पे बंद करेंगे ये देखो एस यू पी को यहाँ पे बंद किया हुआ है तो इससे क्या बन जाएगा ईज टू एम सी स्केयर इसके बाद यहाँ पे हेडिंग टैग को बंद किया हुआ है सेंटर टैग को बंद किया हुआ है बॉडी टैग को बंद किया हुआ है और एस टी एम एल टैग को बंद किया हुआ है अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एच टू ओ बना कि नहीं बना ई जिकू एमसी स्केयर बना कि नहीं बना तो इसको चेक करने के लिए पहले फाइल को सेव करेंगे फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सेव एज करेंगे सेव एज पर क्लिक किया कहाँ पर सेव करना है डेस्कटॉप टॉप पर सेव करना है यहाँ पर क्लिक किया इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम देंगे तो यहाँ पे हमने फाइल नेम दिया ए एस डी डॉट एच टी एम एल ये हमने फाइल नेम दिया इसके बाद इसको सेव कर देंगे ये सेव पे क्लिक किया सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउज़र में ये ए एस डी नाम की फ़ाइल आ गई है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद ये देखो पहले हमने क्या यूज़ किया था सबस्क्रिप्ट तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा था एच टू ओ ये देखो एच टू ओ यहाँ पे एच इसके बाद यहाँ पे सब लगाया हुआ है टू टू को नीचे करना है ये एच के यहाँ पे नीचे करना है तो ये टू हमने यहाँ पे लिखा इसके बाद सब को बंद किया इसके बाद ओ ओ लिखा हुआ है तो ओ को हम ऐसे रहने देंगे ये तो हो गया सबस्क्रिप्ट इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे ये देखो ई जिक टू एम सी सी के ऊपर यहाँ पे टू आया हुआ है तो इसको कैसे किया हुआ है इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ई e रिक टू एम सी इसके बाद टू ऊपर किया हुआ है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एस यू पी लिखा हुआ है और टू लिखा इसके बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को बंद किया हुआ है ये देखो इसको बंद किया हुआ है एस यू पी तो ये देखो ये जो टू है ये सी के यहाँ पे ऊपर आएगा तो इस तरह से वेब पेज में हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल